नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो वनस्पति का परिचय कराने वाले हैं, वह बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी गुण रखती है। इस वनस्पति का नाम है कौच, किरमच, केवाज, खुजानी, मरकटी आदि नाम से भी इसको जानते हैं। नामों की और अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे आपको और भी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। केवाज दो प्रकार की होती है, एक हरी और एक जंगली। जो हरी होती है वह कम खुजली करती है, उस पर रोए कम होते हैं और उसकी कुछ लोग सब्जी बनाकर भी खाते हैं। लेकिन अभी जो आप कौच देख रहे हैं यह जंगली है। यह इस तरह की होती है, आप देख लीजिए। इसकी फलियां सेम की फलियों की तरह होती है और पत्ते भी सेम की तरह प्रतीत होते हैं। इन फलियों के ऊपर बारीक बारीक रोए होते हैं जो शरीर से स्पर्श होने पर बहुत ही तेज खुजली करते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक इन फलियों को तोड़ना चाहिए, दस्ताने आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि गलती से इसके रोए शरीर पर लग जाते हैं तो बहुत खुजली होती है और उसको दूर करने का एक ही तरीका है जो बहुत आसान है। गाय का गोबर लेकर जहाँ पर खुजली हो रही वहाँ पर लेप कर दें और कुछ समय बाद सादे पानी से धो लें तो खुजली शांत हो जाती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कौच के बीज बहुत ही शक्तिदायक, बलकारक, बाजीकारक एवं अनेक व्याधियों में उपयोग किए जाते हैं। लेकिन इसके बीजों को उपयोग करने से पहले इनको शुद्ध करना बहुत ही जरूरी है, वरना ये आपको हानि करेंगे। इनके बीजों को शुद्ध करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इन फलियों से इन बीजों को निकाल लीजिए। इसके बीज काले और कहीं पर सफेद होते हैं। दोनों ही प्रकार के बीज समान लाभ करते हैं। इन बीजों को लगभग 100 ग्राम बीज को 400 ग्राम गाय के दूध में खूब उबालें और जब दूध आधा हो जाए तब उतार कर ठंडा कर लें। इसके बीज अपने आप छिलका छोड़ने लगते हैं। इन बीजों को अलग कर लें और छिलका उतार लें और जो दूध है उसको ऐसी जगह फेंक दें जहाँ पे कोई पशु पक्षी उसको ना खा पाए। छिलका उतारने के बाद इन बीजों को गर्म पानी से अच्छी तरह धो लें और छाया में सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें। यह चूर्ण आपका तैयार है खाने के लिए। आप इसको विभिन्न विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौच के बीज आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएंगे और यदि आप कौच के बीज का शुद्ध चूर्ण चाहते हैं तो वो भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से आयुर्वेदिक दवा विक्रेता के यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आयुर्वेदिक मत अनुसार कौच मधुर, तीक्त, उष्ण, लघु, रुक्ष, तीक्ष, त्रिदोषामक, बलकारक, शुक्रल एवं बाजीकारक होती है। आइए अब जानते हैं कौच के औषधीय उपयोग। कौच बीज चूर्ण उत्तम रसायन का काम करता है। यह कमजोरी, दुर्लभता, थकान, आलस्य आदि को दूर कर शरीर में चुस्ती फुर्ती लाता है, काम शक्ति को बढ़ाता है। इसके लिए आप 5 ग्राम चूर्ण को रोज दूध के साथ लेते हैं तो आपको सभी लाभ मिलते हैं और शरीर हर्ष पुष्ट हो जाता है। बाकी इसके पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। इसके पत्तों को पीस कर सिर पर लेप करने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। 1-2 ग्राम चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से श्वास रोग दूर होता है। स्वप्न दोष, प्रमेह, धातु रोग में 5 ग्राम चूर्ण को दूध के साथ लेने से बहुत लाभ होता है। मूत्र विकारों में 1-2 ग्राम चूर्ण को सादा पानी से लेने से लाभ होता है। घाव आदि पर इसके पत्तों की चटनी बनाकर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। गोखरू और कौच के बीज को समान मात्रा में मिलाकर रोज दूध के साथ सेवन करने से वाजीकरण होता है, शरीर में नई शक्ति का संचार होता है एवं कमजोरी दूर होती है। बहुत ही अद्भुत वनस्पति है। दोस्तों, आशा करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि भारत की वनस्पतियों की जानकारी आपके माध्यम से सभी को हो सके। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक वीडियो आती हैं जो आपके लिए बहुत ही काम की हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस पौधे के बारे में कोई जानकारी रखते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, या फिर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो कमेंट करें। मिलते हैं आपको एक नई जानकारी और एक नई वनस्पति के साथ। नमस्कार।